हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के प्रायिकता से संबंधित प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न गेंदों से संबंधित होते हैं, कुछ पासों से संबंधित होते हैं और कुछ सिक्कों से संबंधित होते हैं। तो आइए इन सभी तरह के प्रश्नों को हम देखें और उनका हल समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न हमने लिया है कि लॉटरी जो टिकट होती है जिसमें इनाम निकलते हैं, तो लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं और 25 रिक्त स्थान हैं। एक लॉटरी यादृच्छिक यानी कि रैंडमली तैयार की जाती है और पुरस्कार पाने की क्या संभावना है, यानी कि टोटल कितनी लॉटरीज हैं? 35। 10 तो उसमें पुरस्कार हैं और 25 जो है वो ब्लैंक हैं, रिक्त हैं। टोटल 35 लॉटरियां हैं जिसमें से 10 पुरस्कार हैं। तो यदि आप एक लॉटरी निकालते हैं तो वो पुरस्कार में होगी या पुरस्कार उस पर मिल जाएगा, इसकी क्या संभावना है? तो आइए इसे हल करके देखते हैं। पुरस्कार पाने की घटना, जिसे हम इवेंट ई ले लेते हैं, तो एन ई यानी कि कितने पुरस्कार हैं? 10 पुरस्कार हैं, तो एन ई क्या हो गया? 10 हो गया। और कुल पुरस्कारों की संख्या या कुल लॉटरी की संख्या क्या हो जाएगी? कुल लॉटरी की जो संख्या होगी वो हमारी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी, यानी कुल लॉटरी कितने होगी? 10 ये हो गए और 25 जो हो गए ब्लैंक वाले, मिला करके आपके 35 मिल गए। तो जब आप पुरस्कार प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पुरस्कार पाने की प्रायिकता। पुरस्कार पाने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो पुरस्कार पाने की घटना यानी कि एन ई को आप ऊपर लेंगे और प्रतिदर्श समष्टि में जो आपके 35 अवयव मिले हैं, 35 लॉटरियां हैं, इसको आप हार में लेंगे। यहाँ आपको मिल जाएगा 10/35। इसे आप सरल कर लेंगे तो 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 × 2 = 10, और 7 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 2/7 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी कि एक लॉटरी आप खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो पुरस्कार वाली ही होगी। आइए कुछ और प्रश्नों को देखें। बच्चों, एक और प्रश्न हमने यह लिया है, तो 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है, यानी कि 3 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है? 0.992 है। तो आपको इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यहाँ पर बच्चों, दो घटनाएं बिल्कुल अपवर्जी हैं, एकदम अलग हैं, यानी कि एक घटना के होने का दूसरी घटना के होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर यदि हम किसी एक घटना को ई मानते हैं तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होती है उसको हम ई डैश मान लेते हैं, उसकी बिल्कुल विपरीत घटना, और दोनों का योगफल क्या होता है? 1, यानी किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के न घटने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1, और जो हमारा ये प्रायिकता दी गई है, जो हमारी प्रायिकता दी गई है कि जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इसे हम पीई ले लेंगे। ये प्रायिकता हमें निकाल कर दे दी गई है, केवल हमें इसका विपरीत निकालना है कि अगर जन्मदिन एक ही दिन नहीं होता है तो क्या प्रायिकता होगी। अतः जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता तो जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता को हम पीई डैश ले सकते हैं, यानी कि इसका व्युत्क्रम, तो पीई डैश जो होगा 1 - पीई के बराबर होगा। तो यहां पर आप 1 - क्या करेंगे?
0.992 और आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.008 मिल जाएगा। बच्चों इस तरह के और भी प्रश्न हो सकते हैं जिनमें ऐसी घटनाएं हों जो दोनों बिल्कुल अलग हों, यानी कि डिसजॉइंट सेट जिसे आप बोलते हैं, बिल्कुल वो अलग अलग घटनाएं हों, तो उन्हें आप इस तरीके से इस सूत्र के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों को देखें। बच्चों प्रतियोगी परीक्षाओं में गेंदों से संबंधित भी प्रायिकता के प्रश्न आते हैं, तो आइए एक प्रश्न लेकर के इसे हम समझते हैं कि गेंद वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास एक प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल है या फिर लाल नहीं है। तो दो घटनाएं हैं अलग अलग और दोनों की प्रायिकताएं आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर गेंद वाले प्रश्नों में बच्चों में ध्यान ये देना होगा कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, कुल गेंदों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ हमारे पास गेंदे कितनी हैं, 3 लाल हैं और 5 काली हैं, यानी टोटल कितनी गेंदे हो गई, 8 गेंदे हो गई। तो यहाँ प्रतिदर्श समष्टि में अवयव कितने हो गए, 8 अवयव हो गए। तो इन्हें हम लिखते चलें, तो लाल गेंदों की संख्या जो है वो 3 है और काली गेंदों की संख्या 5 है। कुल गेंदे कितनी हो गई, 8 हो गई। कुल गेंदे कितनी हो गई, कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 यानी कि 8। तो 8 हमारा क्या हो गया, एन एस, यानी कि एन एस हमें मिल गया 8। अब हमें घटना कौन सी लेनी है कि एक गेंद हम निकालते हैं और वो गेंद लाल हो जाए, यानी कि लाल ही निकले। तो लाल हमारे पास कितनी है, 3 गेंदें हैं। तो यहाँ पर एन ई जो हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इस बात की प्रॉबलिटी प्रायिकता कि वह लाल हो, तो हमारे पास एन ई अपॉन एन एस लेना होता है हमें। तो एन ई क्या है, 3 है और एन एस हमने निकाला है 8। यहाँ पर इस बात की प्रायिकता कि वह गेंद लाल होगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है कि वह गेंद लाल नहीं है, एक गेंद आप निकालते हैं वह लाल है, इसकी प्रायिकता 3/8 हो गई। और वही गेंद लाल ना हो, इसकी प्रायिकता निकालने के लिए जो प्रायिकता आपको मिली है लाल होने की, उस प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देंगे। यानी कि ये जो आपको निकालना है वो क्या है, पीई डैश है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो 1 में से हम पीई को माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, लाल ना होने की प्रायिकता। तो 1 - PE कितना आया था, 3/8। अब आप माइनस कर सकते हैं आसानी से, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 8 - 3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, ये हो गया आपका 5/8। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आइए इसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हम देखें। बच्चों आइए प्रायिकता पर संबंधित एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि एक गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 20 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो एक सिक्का यादृच्छिया निकालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का 50 पैसे का होगा और या फिर वह सिक्के सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। यानी कि एक गुल्लक है जिसमें कुछ अलग अलग टाइप के सिक्के रखे हुए हैं, है ना। आप देख रहे हैं प्रश्न में 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। तो अब इन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर रखा गया है और एक ही सिक्का हमको एक बार में खींचना है, निकालना है। एक बार में एक सिक्का निकालने पर वह सिक्का 50 पैसे का ही निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, या फिर वो सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो दोनों अलग अलग सवाल हैं, आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लें। कुल सिक्कों की संख्या कुल सिक्कों की जो संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। यहाँ पर तो
तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, फिर 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, फिर आगे आप देखेंगे 20 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो टोटल कितने सिक्के हो गए? 50, 100 और 50, 150, 170, 180, यानी टोटल 180 सिक्के हो गए। अब फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ हम यदि सिक्का 50 पैसे का हो तो यह एक घटना है, इस घटना को यदि हम ई मान लें तो एन ई कितना होगा? जितने हमारे 50 पैसे के सिक्के होंगे, कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं, और वह सिक्का 50 पैसे का ही होगा जब हम निकालेंगे, तो इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस। एन ई क्या होगा यहाँ पर? 100, यानी कि 100 सिक्के 50 पैसे के हैं, उसमें से एक आपको निकालना है, और टोटल कितने हैं? 180। तो इसकी प्रायिकता क्या मिल गई? यहाँ आपको 0 0 कैंसिल हो गया, 10 और 18 को आप 2 से काट सकते हैं, 2 5 10 और 2 9 18, यानी कि 5/9 जो है इस घटना की प्रायिकता हो गई कि वह सिक्का 50 पैसे का ही होगा। अब हमें जो दूसरी प्रायिकता निकालनी है वो इस बात के निकालनी है कि वह सिक्का जो हम निकाल रहे हैं वो 5 रुपए का नहीं होगा। तो नहीं वाली प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले हम वह घटना होगी इसकी प्रायिकता निकाल लें, यानी जो सिक्का हम निकाल रहे हैं पहले हम निकाल लें कि वो 5 रुपए का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, और उस प्रायिकता को 1 से हम माइनस कर देंगे तो वह सिक्का 5 रुपए का नहीं है, इसकी प्रायिकता मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह सिक्का 5 रुपए का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। 5 रुपए का सिक्का होने की घटना, इसे हमने मान लिया टी के बराबर, ठीक है, यहाँ बराबर लगा देते हैं टी, तो एन टी यानी इस घटना टी में जो है कितने अवयव हैं? 5 रुपए, कितने सिक्के हमारे पास? 10 सिक्के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/180, यानी कुल सिक्कों की संख्या नीचे रखेंगे तो इसे काटने पर क्या मिल जाएगा? 1/18। इस बात की प्रायिकता कि वह सिक्का 5 रुपए का होगा 1/18 हो गई, और इस बात की प्रायिकता कि वो 5 रुपए का नहीं होगा, इसे आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश, यानी वो सिक्का 5 रुपए का नहीं है, तो 1 - 1/18 आप घटा लें, 18 नीचे हो जाएगा, यहाँ 18 - 1 यानी कि 17/18। तो ये जो प्रायिकता हो जाएगी 17/18 किसकी हो जाएगी? कि वह सिक्का 5 रुपए का ना हो। तो बच्चों आशा है कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करेंगे। बिना अभ्यास के ये प्रश्न आप भूल सकते हैं या बाद में आप इन्हें नहीं समझ पाएंगे, तो इनका अभ्यास निरंतर करते रहें। आने वाले वीडियो में प्रायिकता से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ और प्रश्नों को हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।